प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU. चाहता हूँ कि 15 साल का जो पीरियड है बहुत बड़ा पीरियड है. इसके पहले भी विधायक होके गए, इसके पहले भी मुझे लगता है यूसुफ बाबरानी थे, उसके पहले और सोहेल अशरफ थे, इसके उसके पहले सबसे बड़े विधायक जो जावेद खान साहब थे, इन्होंने 3 विधायक का मतदार संघ संभाला था. उस टाइम के अगर जावेद खान को आप आज ही वासी नाके में पूछेगा ना जावेद खान साहब कौन है, या इधर से जाके आप कोलीवाड़े में पूछेगा ना ट्रॉम्बे में, तो जावेद खान कौन है कोई भी बता दें. मगर इसके बाद में ये जो 15 साल का पीरियड है, ये हमारे मानपुर शिवाजी नगर में मुस्लिम समाज से लेके पूरे हिंदू समाज से लेके सब इतर समाज के लिए बहुत धोखे का गया है. क्योंकि इस विभाग में हमारे जो विधायक है अबू अजी साहब, इन्होंने विकास से बहुत लंबा हमको रखा है, और क्राइम में और ड्रग्स में और डेवलपमेंट एजुकेशन में हमको बहुत 30 साल से आप पीछे हम लोग को ढकला है. इस वजह से हमें यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी की जो शरद पवार है, उसके बाद में कांग्रेस है, और हम सब उद्धव साहब के साथ में, उस वजह से अभी भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हो गया, इसमें आबू आजमी साहब 1 दिन भी शिवाजीनगर में नहीं थे. अगर मुस्लिम का आप बताते ना मसीह है, तो आप किधर थे, आप बताओ, आप किधर घर में बैठे थे, क्यों बैठे थे, ये लोगों को बताओ, ये आप बताते नहीं. और दूसरे उम्मीदवार के बारे में आप अनाप शनाप बोलते, ये सब गलत है. ये सिर्फ आप मुस्लिम समाज को और सब समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका हिसाब 15 साल का हिसाब ये लोग लेंगे, इसके बगैर इनको छोड़ेंगे नहीं. आने वाले दो महीने में जो 23 तारीख को रिजल्ट है, आबू आजमी साहब मैं बता देता हूँ कुलाबा में रह गए, रहे टाइम बच गए, रहे टाइम 45,000 आया था, एक से एक लड़त हो गए, तो गली गली में घूम रहे थे, और आप साइकिल छोड़ के घूम रहे थे. अभी तो मैं बताता हूँ इनको, लोग आवाम बहुत भड़की हुए, नशे का कारोबार, दादागिरी, इनका सब अभी 15 साल में इनको चुन के देने के बाद भी लोगों का घर तोड़वाने का काम कर रहे, और हाउस में बोलते कि लोगों का घर तोड़ो और उनसे हिसाब लो. ये बात होती है कि जो चुन के देता है गरीब, अनजाने में फैमिली बढ़ने के बाद 1 से 2 माला 2 से 3 माला होता है. आप पॉलिसी में लाओ, अगर वो 5 माला 3 माला बढ़ा रहे तो आप 700 का उनको दो, पॉलिसी में लाओ. जैसा धारा भी आज 500 450 का जो एरिया दे रहे, आप कोशिश करना चाहिए. आप टोटली यहाँ पर फेल हो गए, इस वजह से हम चेंज चाहते. आज जो शिवसेनेचा आक्रोश है, हा 15 वर्षाचा जो हिशोब है, जो आबू आजमी साहेब जे विधायक है त्याचा हिशोब मागण्यासाठी हा आक्रोश है. आम्हाला त्या आबू आजमी साहेबाबद्दल द्वेष नाही, परंतु 15 वर्षाची कारकीर्द ही एकदम मोठी आहे. मी बोलताना हे बोललो की जर मुलगा KG मध्ये असेल आणि KG मधून असताना तो 15 वर्षात तो ग्रॅज्युएट होऊन तो कुठेतरी एका चांगल्या जागी काम करायचा प्रयत्न करतो, परंतु 15 वर्षामध्ये आबू आजमी साहेबाने ह्या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये ह्या मानपूर शिवाजीनगरच्या विद्यार्थ्यांचा पूर्णच्या पूर्ण नाश केला आहे, त्यांना गुमराह केला आहे, त्यांना एक नशेच्या आहारी त्यांनी टाकलेलं आहे, आणि हे झालं त्याचं एज्युकेशनचं. पण दुसरी बाजू तुम्ही जर 15 वर्षात बघणार, तर 5 वर्षामध्ये एखादा व्यक्ती नवीन असतो, त्याला लोक विश्वास टाकून निवडून देतात, दुसऱ्या वेळेला पण लोक निवडून देतात, पण तिसऱ्या वेळेला त्यांना निवडून दिल्यानंतर हा 4थी वेळ आलेली आहे. ह्या 4थी वेळामध्ये ह्या मानपूर शिवाजीनगरमध्ये जर डेव्हलपचा विषय घेतला तर 0 डेव्हलप झालेला आहे. विकास हा मानपूरपासून मला वाटतं भरपूर कोस 300 ते 400 किलोमीटर दूर आहे. विकासापासून मानपूर हा वंचित राहिला आहे. म्हणून या मानपूरमध्ये आम्हाला आबू आजमी जे विधायक आहे, जे निकामी आहे, ज्यांनी ह्या मानपूर ह्या मानपूर शिवाजीनगरला सडून टाकलं आहे, बॅकवर्डमध्ये आपल्या मानपूर शिवाजीनगरला आणलेलं आहे,
त्यापासून आम्हाला ह्या मानपूर शिवाजी नगरमधून अबू आजमीरला कुलाब्याला पाठवायचं.